हेलो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में ये एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दिया गया है और पूछा जा रहा है अगर इसे 100 से डिवाइड किया जाए तब रिमाइंडर क्या आएगा। इसके लिए पहले तो हम किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करने का बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जैसे एक 3 डिजिट का नंबर हम 230 सपोज कर रहे हैं, और अब अगर इसे 100 से डिवाइड करें तब इसका रिमाइंडर 13 आ जाएगा। और अब अगर 4 डिजिट का नंबर 1213 लें और इसे 100 से डिवाइड करें तब इसका भी रिमाइंडर 13 आ जाएगा। और अब की बार कोई एक 7 डिजिट का नंबर सपोज कर रहे हैं जिसकी लास्ट 2 डिजिट 213 हैं, और अब अगर इसे 100 से डिवाइड करेंगे तब इसका रिमाइंडर 23 आएगा। इससे यहाँ पर यह क्लियर हो रहा है कि कोई भी 2 या 2 से अधिक डिजिट वाले नंबर को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तब उनका रिमाइंडर उन नंबर्स के लास्ट 2 डिजिट से बनने वाला नंबर ही होगा। इसलिए अब हमें इस एक्सप्रेशन के मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट से बनने वाले नंबर के लास्ट 2 डिजिट ही फाइंड करने होंगे, और वही लास्ट 2 डिजिट से बनने वाला नंबर 100 से डिवाइड करने के बाद आने वाला रिमाइंडर हो जाएगा। और अगर इस न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में दिए गए नंबर्स को ध्यान से देखें तब इस 62 में 2 एंड 31 के 2 फैक्टर्स मिल जाएंगे, और 75 में 355। दिए गए एक्सप्रेशन में एक फैक्टर 2 के अलावा बाकी किसी भी नंबर से फैक्टर 2 नहीं मिल रहा है, और जब ये 2 किसी भी 5 से मल्टीप्लाई होगा तब 10 आ जाएगा। इस एक्सप्रेशन में 1 टाइम 10 के अलावा और 10 नहीं आ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर यह भी क्लियर हो रहा है कि इस एक्सप्रेशन के सभी नंबर्स को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तब आने वाले नंबर की लास्ट या फिर यूनिट डिजिट 0 ही होगी, और जब इसे 100 से डिवाइड करेंगे तब नंबर की लास्ट 2 डिजिट रिमाइंडर हो जाएगा। और अब अगर दिए गए ऑप्शंस के नंबर्स को देखें तब केवल ऑप्शन ए के नंबर में यूनिट डिजिट 0 है, इसलिए ये रिमाइंडर 50 ही आएगा, और इसीलिए आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।